अ वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम एक बड़े ही जनरल क्वेश्चन के साथ आए हुए हैं यहाँ पे, व्हाई ज्वाइन रोटरी, आखिर हम रोटरी को ही क्यों ज्वाइन करें। हालांकि कई सारे ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूशन हैं, कई सारे ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं जो भी कंपटीशन की तैयारी करवाती है, यानी कि जेई और नीट की तैयारी करवाती है, लेकिन आखिर हम रोटरी को ही क्यों चुने, अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए हम रोटरी को ही क्यों चुने। तो आज हम यहाँ पे कुछ पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं जिससे आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। तो मायसेल्फ अभिषेक सिंह, फैकल्टी ऑफ केमिस्ट्री इन रोटरी एकेडमी एंड रोटरी इंग्लिश मीडियम स्कूल। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की। जी हाँ, यहाँ पे आपको बिग एंड सिक्योर्ड कैंपस आपको मिलने वाला है, क्योंकि पढ़ाई के लिए आज का जो स्थिति है, परिस्थिति है, उसमें कैंपस का सिक्योर्ड होना भी बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ आपको मिल रहा है हॉस्टल फैसिलिटी, कई जगहों पर, कई कोचिंग इंस्टीट्यूशन में, कई जगह स्कूल्स में आपको हॉस्टल फैसिलिटी नहीं मिलता है। लेकिन इस चीज का काफी ध्यान रखा गया है कि जो दूर से बच्चे आते हैं, कई बार आधा से ज्यादा टाइम ट्रेवलिंग में ही चला जाता है और उनको पढ़ाई पे फोकस करना, वो पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पाते हैं। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए हॉस्टल फैसिलिटी पर खास करके फोकस किया गया है। तो ये रहा इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि आप जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूशन, दूसरे स्कूल्स के मुकाबले यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफी वेल सिक्योर्ड और काफी आपको बड़ा मिलेगा। और दूसरा पॉइंट है वेल एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज, जो फैकल्टीज हैं जो आपको डील करने वाले हैं वेरियस सब्जेक्ट को, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, या फिर मैथमेटिक्स हो, यानी कि जेई का स्ट्रीम हो या फिर नीट का स्ट्रीम हो, दोनों में जो आपको फैकल्टीज डील करने वाले हैं अपने सब्जेक्ट के साथ, वो हाईली एक्सपीरियंस्ड एंड हाई क्वालिफाइड फैकल्टी हैं। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के मद्देनजर रखते हुए, कि जो हमें पढ़ा रहा है, जो हमें सिखा रहा है, उसके पास वो कितना ज्यादा क्वालिफाइड है और कितना ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है। क्योंकि जितना ज्यादा एक्सपीरियंस उसके पास होगा, उतना ही आसान तरीके से वो हमें इस कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स को पार करवा सकता है। ठीक है, एक बड़ा ही खास चीज है रोटरी में। क्या खास चीज है? कहीं भी आप दूसरे जगह यदि एडमिशन लेते हैं तो वहां पे आपको दो चीजों को फेस करना पड़ेगा। ठीक है, दो चीजों को आपको फेस करना पड़ेगा। सबसे पहली बात है वो होता है स्कूल्स की पढ़ाई, स्कूल का पढ़ाई, और दूसरा चीज है कोचिंग का पढ़ाई। क्योंकि दोनों डिफरेंट है। यदि हम यहाँ पे देखें कैसे डिफरेंट है, क्योंकि स्कूल जो पढ़ाता है वो केवल और केवल बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाता है, समझ में आया। लेकिन यदि हम बात करें कोचिंग का, तो वो हमेशा किस चीज पे फोकस रखता है? वो हमेशा फोकस रखता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का। तो एक बड़ा ही कॉमन सा क्वेश्चन यहाँ पे ये भी आ जाता है बच्चों के मन में, पेरेंट्स के मन में, कि हम स्कूल और कोचिंग को एक साथ कैसे कर सकते हैं, और यदि दोनों को अलग अलग कर रहे हैं तो उसमें तो बहुत हमारा समय जाएगा। तो एक बड़ा ही बेहतर पॉइंट आपको यहाँ पे मिल रहा है रोटरी के अंदर, कि यहाँ पे आपका स्कूल प्लस कोचिंग दोनों यहाँ पे हो जा रहा है। यानी कि स्कूल के समय में ही जैसे आप स्कूल के रूटीन को फॉलो करते हैं, 8 बजे से क्लास लगता है, उसके बाद एक एक लेक्चर होता चला गया, बीच में लंच हुआ, लंच के बाद फिर और लेक्चर्स हुए, फिर बाद में फाइनली आपका छुट्टी हो जाता है। यह स्कूल का आपका पूरा रूटीन रहता है। तो इसी रूटीन में, सेम इसी रूटीन में जो फैकल्टीज आपके रहते हैं वो आपको कॉम्पिटेटिव, साथ ही साथ बोर्ड, यहाँ पे ध्यान में रखना है, मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूँ, बोर्ड प्लस कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, दोनों चीज एक साथ। क्योंकि जब हम पढ़ाते हैं, जिस पैटर्न में हम लोग इसको डील करते हैं, उसमें आपका बोर्ड भी आ जाता है, क्योंकि टॉपिक्स सेम रहते हैं। ठीक है, टॉपिक सेम रहते हैं, इसीलिए बोर्ड को भी किस तरीके से अपने को डील करना है, साथ ही साथ कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स को भी किस तरीके से डील करना है, वो चीज हम एक अरेंज्ड वे में समझाते हुए आगे बढ़ते हैं। तो एक ये जो बड़ा सा क्वेश्चन मार्क रहता है, स्कूल और कोचिंग दोनों साथ में, दोनों अलग अलग, ये चीज, ये क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पे समाप्त होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोचिंग प्लस स्कूल जो है, बोर्ड जो है, उसका एकदम अच्छे से ध्यान रखा जाता है। बच्चे आपके, हमारे पास कई सारे बच्चे हैं, कई सारे क्या, मैक्सिमम 100% बच्चे कह सकते हैं, जो स्टार्टिंग में प्रिपरेशन कॉम्पिटेटिव ही कर रहे हैं, लास्ट तक कॉम्पिटेटिव कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग साथ ही साथ उनको बोर्ड का भी करवा रहे हैं,
राउंड्स दे रहे हैं बोर्ड के लिए, टेस्ट ले रहे हैं बोर्ड के लिए अलग से, कॉम्पिटेटिव का अलग टेस्ट चल रहा है और साथ में फाइनली वो टॉप कर रहे हैं आपके पूरा कोंकण रीजन में, कई तो सीबीएसई में भी टॉप कर चुके हैं। तो ये रही बातें। अगला चीज यदि हम पॉइंट पे डिस्कस करने वाले हैं तो दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट और हमारे यहाँ, ठीक है। ये एक चीज तो समझ में आता है कि ठीक है, दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूशन में क्या होता है कि बच्चे गए पढ़े और पढ़ने के बाद जो भी 1 घंटे 2 घंटे का क्लास लगा उसके बाद जो है वो आकर के घर में फिर अपना सेल्फ स्टडी करने लगे। लेकिन यहाँ पर पढ़ाई तो उसी वे में आपका हो रहा, 2 घंटे का लेक्चर हुआ, फिर 2 घंटे का या 1.5 घंटे का, 1 घंटे का, जो भी पीरियड का टाइमिंग रहा उस घंटे से लेक्चर होता है, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग टाइम, प्रॉब्लम सॉल्विंग पीरियड, ये एक बड़ा ही खास फैसिलिटी है, एक बड़ा ही कह सकते हैं बेहतरीन फीचर है रोटरी के अंदर में, जिसमें आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग पीरियड भी रहता है। यानी उस पीरियड में बच्चे केवल और केवल क्वेश्चन सॉल्विंग पर फोकस करते हैं और उसके साथ फैकल्टीज भी मौजूद रहते हैं जहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करते हुए उनके अंडर गाइडेंस में क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और उनको यदि किसी प्रकार का परेशानी आता है, डाउट्स आता है, तो उसी समय वो बच्चे पूछ करके फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। तो कहने का मतलब है कि एक पॉइंट इसी में आ जाता है, डाउट सॉल्विंग का। डाउट सॉल्विंग बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। डाउट सॉल्विंग लग रहा है, अच्छा ठीक है डाउट सॉल्विंग, लेकिन डाउट सॉल्विंग जो है ना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि बच्चे का कोई भी डाउट यदि रहता है और वो जब पूरा नहीं हो पाता, वो कंप्लीट नहीं हो पाता, डाउट खत्म नहीं हो पाता है, तब तक उसके मन में क्वेश्चन मार्क बना रहता है और वो क्वेश्चन मार्क आगे जो टॉपिक आ रहा है उसको समझने में भी परेशानी करता है। क्योंकि कई बार जनरली टॉपिक इंटरलिंक्ड रहते हैं, पिछले पिछले वाले टॉपिक से जो आगे आने वाला टॉपिक है वो, तो डाउट सॉल्विंग पर हमारा फुल्ली फोकस रहता है, बहुत ज्यादा फोकस रहता है कि बच्चे का एक भी डाउट जो है वो ना बचा हुआ रहे। उसके बाद हम बात करते हैं कि हमारा फोकस जो है वो ईच एंड एवरी स्टूडेंट पर होता है। कहने का मतलब है कि कई बार क्या होता है कि क्लास में 100 बच्चे, 150 बच्चे, 200 बच्चे डिफरेंट डिफरेंट कोचिंग पे आपको मिलेगा। यहाँ पे एक लिमिटेड क्लास में बच्चे होते हैं, दैट इज 45 टू मैक्सिमम 50, मैक्सिमम 50 उतना बच्चा, केवल और केवल उतना ही बच्चे। उस पे क्लास में हर एक बच्चे पर फोकस कर पाना आसान होता है एज कंपेयर टू यदि क्लास में 200-250 बच्चे हो तो कई बार तो नाम तक नहीं पता चल पाता है और पूरा 2 साल यूं ही गुजर जाता है कि इस बच्चे में कौन, इस क्लास में कौन कौन से बच्चे रहे हैं। तो इस चीज पर भी काफी फोकस किया जाता है। हर एक बच्चे का एक फाइल तैयार किया जाता है जिसमें कि वो शुरू से लेकर के अभी तक जितने भी टेस्ट पेपर दिए हैं, जो जो एग्जाम्स दिए हैं, सारा का सारा पेपर आपको मिलेगा। कभी भी आप किसी भी एक बच्चे का रिकॉर्ड को चाहे तो चेक कर सकते हैं अपने बच्चे का कि शुरू से लेकर के अंत तक, या शुरू से जब ये एग्जाम दे रहा है तो इस बच्चे को क्या क्या छोटे छोटे मिस्टेक्स हुए हैं, उसको भी आप एक बार देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि आगे आने वाले एग्जाम्स में हम इन मिस्टेक्स को कैसे कम कर सकते हैं। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। खासकर एक बड़ा ही और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, तो स्टेट बोर्ड के बच्चों जब बच्चे जब एडमिशन लेते हैं उनके लिए खास करके, तो उनके मन में ये बात रहता है कि हम तो स्टेट बोर्ड से हैं और हम स्टेट बोर्ड से हैं और एडमिशन ले रहे हैं हम सीबीएसई में, तो क्या क्या परेशानी हमको देखना पड़ सकता है स्टेट बोर्ड बच्चे वालों को सीबीएसई में। सच बात ये कहें कि स्टेट बोर्ड वालों पे हमारा भी बहुत ज्यादा फोकस रहता है। क्यों? क्योंकि उनमें जो जो कमियां रह जाती हैं उनको हम मेन सिलेबस से पहले ही दूर करते हैं बेसिक्स क्लास लेकर के। जी हाँ, स्टेट बोर्ड वालों बच्चे पर सबसे पहली बात तो पूरा होल 2 साल, कंप्लीट 2 साल हमारा उस पर पूरा ध्यान रहता है, जिसमें कि हम ये भी ध्यान में रखते हैं कि उनको कहीं लैंग्वेज का परेशानी ना आए। कई बार बच्चे मराठी मीडियम के भी होते हैं, दूसरे मीडियम के भी होते हैं, लेकिन जब सीबीएसई में आते हैं तो उनको लैंग्वेज का प्रॉब्लम ना हो, इस चीज का हम बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं। साथ ही साथ उनको उनका जो उनमें जो कमियां रह जाती हैं उन चीज को भी भरने का हम काम करते हैं मेन सिलेबस स्टार्ट होने से पहले। उसके बाद यदि हम बात करें तो बच्चे जब 10th से 11th में आते हैं, ठीक है, बच्चे जब 10th से 11th में आते हैं तो थोड़ा सा गैप रहता है, क्लास 10th और क्लास 11th में थोड़ा सा गैप रहता है, और उस गैप को भी भरने का काम हम करते हैं। उस गैप को भी हम बेसिक क्लासेस लेते हैं
बेसिक फिजिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स एंड बेसिक केमिस्ट्री करके आपका लेक्चर चलता है स्टार्टिंग में। तो उस ड्यूरेशन में हम खास करके जो मराठी मीडियम के स्टूडेंट्स होते हैं उनको फोकस करते हैं, और साथ ही साथ 10th और 11th स्टैंडर्ड के बीच का जो गैप है उसको भरने का कोशिश करते हैं, और बहुत हद तक भरा भी जाता है, ताकि जब बच्चे का 11th का जब सिलेबस स्टार्ट हो तो उसमें उसको किसी भी तरीके का परेशानी ना आए और बड़ा ही स्मूथली वो सिलेबस आगे बढ़ सके। यदि हम बात करें अपने रिजल्ट्स की, तो रिजल्ट्स दूसरे जगह का यदि हम बात करें, आप कोचिंग हब कहते हैं कोटा को, वहां का ही यदि हम बात करें तो जो रिजल्ट तकरीबन उतने सारे स्टूडेंट जब वहां पे जाते हैं, लाखों में बच्चे वहां पे होते हैं और उनका रिजल्ट तकरीबन 6 से 7% होता है सालाना। जी हाँ, सुन करके आपको आश्चर्य लगेगा लेकिन 6 से 7% ही रहता है। लेकिन यहाँ हम बात करें अपने पास बच्चे कम होते हैं वहां के मुकाबले, वहां जो लाखों में होते हैं, तो यहाँ पे जो रिजल्ट का परसेंटेज होता है वहां के मुकाबले तकरीबन तकरीबन 4 से 5 गुना आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। और ये हम केवल कह नहीं रहे हैं, ये प्रूव्ड है, आप हर एक साल का रिजल्ट देख सकते हैं। खास करके अभी जो COVID-19 का जो महामारी चल रहा है, इसमें इसमें आपके लिए अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, तो ऑनलाइन क्लास का भी चलना ये पूरे कह सकते हैं कि एक वे में चल रहा है, ठीक है, एक पैटर्न में चल रहा है। यानी कि जैसे कि हम स्कूल का, जैसे हम कोचिंग का अपना जो वे होता है कि सुबह में स्टार्टिंग में 8 से 10 जो है, या 8 से 9:30 फिजिक्स चल रहा है, उसके बाद फिर केमिस्ट्री चल रहा है, उसके बाद बायोलॉजी या मैथमेटिक्स चल रहा है, तो उस तरीके से हम उसको अरेंज वे में डिजाइन किए हुए हैं। यानी कि एकदम रूटीन वाइज आपको लेक्चर मिल रहा है सुबह 8 बजे फिजिक्स का, या फिर उसके उसके बाद जो है केमिस्ट्री का, उसके बाद उसका डाउट सेशन भी चल रहा है, साथ ही साथ बायोलॉजी का या मैथमेटिक्स का। तो ऐसा नहीं होता है कि पहले फिजिक्स चला गया या फिर इतने बजे, टाइमिंग सेट नहीं है, कभी ये चला गया कभी वो चला गया, एकदम कंप्लीट आपको फील आएगा घर बैठे ही स्कूल का, कि किस तरीके से कोचिंग का, कि किस तरीके से वहां पे आपको एनवायरमेंट मिलने वाला है, और घर बैठे ही हम उस एनवायरमेंट को फील कर रहे हैं और उस पर काम कर रहे हैं। साथ ही साथ डाउट सेशन भी आपका चल रहा है डेली। जी हाँ, हर एक क्लास का 6 दिन होते हैं, 6 दिन क्लास चलते हैं, इसमें 2 दिन फिजिक्स का, 2 दिन केमिस्ट्री का और 2 दिन बायोलॉजी का जो है आपका डाउट सेशन भी चलता है, 1 घंटे का, 1.5 घंटे का डेली। तो उसमें आप दिन भर में जो पढ़े हैं उसमें यदि आप कोई डाउट्स रह जाता है उससे रिलेटेड डाउट जो है आप उस डाउट सेशन में आप पूछ सकते हैं, वीडियो जो आपका कॉन्फ्रेंसिंग होता है उसके जरिए, वीडियो कॉलिंग के जरिए। तो इतने पॉइंट्स को डिस्कस करने के बाद आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा व्हाई ज्वाइन रोटरी, आखिर हम रोटरी ही क्यों ज्वाइन करें। एकदम डिफरेंट है दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूशन से, दूसरे स्कूल से रोटरी, और ये पॉइंट्स जो है उसको अलग बनाता है, डिफरेंट बनाता है। तो अगले सेशन में हम फिर मिलेंगे, आपका कुछ क्वेरी यदि होगा, कुछ क्वेश्चन होंगे और भी, तो उसको देखते हुए साथ ही साथ JEE NEET के पैटर्न को डिस्कस करते हुए अगले सेशन में फिर से हम मिलते हैं। थैंक यू सो मच।